बिजनेस एक्सपीरियंस, आईटीआई की डिग्री और करोड़ों रुपए की फंडिंग, क्या इन सारी चीजों के बिना आप 10,000 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर सकते हो? एक हेल्पलेस माँ अपने बच्चे को तकलीफ में देखते हुए एक डिसीजन लेती है। किसको मालूम था कि वो एक डिसीजन आज एक 10,000 करोड़ रुपए की कंपनी बना देगा? क्या हमें से किसी ने सोचा था कि चंडीगढ़ के एक छोटे से शहर से आई हुई ये लेडी, जिनको बिजनेस का बी भी नहीं आता था, वो आज इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप शो शार्क टैंक के अंदर सैकड़ों बिजनेसेस को एनालाइज करेंगी? मामाअर्थ 5 साल पहले शुरू हुई ये कंपनी आज डाबर, एचयूएल और जॉनसन एंड जॉनसन जैसे बड़े ब्रांड्स को आखिर कैसे बीट कर रही है? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट मामा अर्थ? और सबसे इंपॉर्टेंट, वो कौन से पावरफुल बिजनेस लेसंस हैं जो हम इसकी स्टडी से सीख के अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं? दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय कुकू एफएम, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो ये कहानी शुरू होती है 2016 में, जब 28 साल की गजल अलग पहली बार मॉम बनती है। अधिकतर ऐसा होता है कि जब भी कोई लेडी पहली बार मॉम बनती है तो बच्चे को संभालने में उनको बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं होता ना। गजल अलग के बेटे अगस्त्या एक स्पेशल टाइप की स्किन कंडीशनिंग के साथ जन्मे थे। गजल उनकी स्किन के ऊपर कुछ भी लगाती तो उनको इरिटेशन होने लग जाती और वो रोने लग जाते। हर कंपनी के प्रोडक्ट ट्राई करे उन्होंने, लेकिन अगस्त्या को कुछ भी सूट नहीं करा, और जब कोई चारा नहीं बचा तो उनको फॉरेन ब्रांड्स के ऊपर शिफ्ट करना पड़ा। और इंटरेस्टिंगली सारे के सारे फॉरेन ब्रांड्स झट से अगस्त्या को सूट करने लग गए। ये खुशी की बात तो बहुत थी, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वो ये थी कि सारे के सारे जो फॉरेन के बेबी केयर ब्रांड्स थे वो ज्यादातर इंडिया के अंदर अवेलेबल ही नहीं थे, तो उनको फॉरेन से इम्पोर्ट करवाना पड़ता था और ये चीज बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ती थी। अब जब कोई चीज इतनी ज्यादा महंगी पड़े तो एक मिडिल क्लास फैमिली आखिर उस चीज को कैसे अफोर्ड करेगी? और यही चीज गजल को पिंच कर गई। गजल इस प्रॉब्लम को लेकर अपने हस्बैंड के पास जाती है, उनसे बात करती है और डिस्कस करती है। उनके हस्बैंड उनको एक ही चीज बोलते हैं कि तुम ट्राई करके देखो ना, शायद कुछ बदल जाए। और ये वो जगह है जहाँ से मामा अर्थ की शुरुआत हुई। जो ब्रांड 5 साल पहले सिर्फ 6 प्रोडक्ट से शुरू हुआ था, आज मार्केट के अंदर उनके 200 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। सवाल ये है कि मामा अर्थ ने ये सारी चीजें आखिर करी कैसे? सो इसका जवाब छुपा हुआ है इस चार्ट के अंदर। सो कंज्यूमर की प्रोफाइल कुछ इस तरीके से दिखती है। सबसे पहले आता है एज एंड जेंडर, उसके बाद आता है उस कंज्यूमर की एजुकेशन, कि उसको प्रोडक्ट्स के बारे में कितनी ज्यादा नॉलेज है। उसके बाद आता है उसकी स्पेंडिंग कैपेसिटी, कि वो खर्च भी कर सकता है पैसे या नहीं। और उसके बाद आता है अवेलेबिलिटी, कि वो कंज्यूमर जहां पर रहता है क्या वहां पर प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं। फॉरेन के बेबी केयर प्रोडक्ट्स और इंडियन प्रोडक्ट्स के बीच में पता है सबसे बड़ा फर्क क्या था? कि फॉरेन के जो ब्रांड्स हैं वो टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट्स थे, यानी कि उनके अंदर कोई भी ऐसा केमिकल नहीं था, कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं था जो कि बच्चों की स्किन के ऊपर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर दे। यू नो व्हाट, इंटरेस्टिंगली बाहर की कंट्रीज के अंदर 1500 से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो कि बेबी केयर प्रोडक्ट्स के अंदर यूज करने के लिए उन्होंने बैन कर रखे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर ऐसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है नहीं। सो गजल अलग ने कस्टमर प्रोफाइलिंग करते हुए नोटिस किया कि इंडिया के अंदर 95% जो बेबी केयर प्रोडक्ट्स हैं वो खरीदती तो मॉम्स ही हैं, लेकिन मॉम्स के पास प्रॉपर एजुकेशन है ही नहीं कि बच्चों के ऊपर कौन सा प्रोडक्ट लगाना चाहिए और कौन सा नहीं, उनके बच्चों की स्किन के लिए आखिर कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है और कौन सा बहुत ज्यादा हार्मफुल है। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गजल अलग ने सबसे पहले बहुत सारे बेबी केयर प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरर से बात करनी शुरू करी और उनसे पूछा कि क्या हम टॉक्सिन फ्री इंग्रेडिएंट्स का यूज करके बेबी केयर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं या नहीं। सबने एक ही रिस्पॉन्स दिया कि हाँ मैम, हम बना तो सकते हैं, लेकिन अभी करंटली इंडिया के अंदर कोई बना नहीं रहा है। और यहीं से मामाअर्थ की गाड़ी चल पड़ी। उन्होंने सबसे पहले 6 बेबी केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर काम किया और उनको मार्केट के अंदर लेकर आए। सो सबसे पहले उन्होंने इन प्रोडक्ट्स को अपने नोन्स में, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया और उनसे रिव्यूज उठाए कि आप इन प्रोडक्ट्स को यूज करो और हमें बताओ कि आखिर इनमें कमी क्या है, क्या चीजें हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या ये प्रोडक्ट सही है भी आपके बच्चे के लिए या नहीं, आप यूज करो और आप हमको बताओ। रिस्पॉन्स चाहे कैसा भी हो, गजल अलग ने लोगों का फीडबैक लेकर उसमें इम्प्रूवमेंट्स करना शुरू किया। ये सारी चीजें चली रही थी कि बहुत सारी जगहों से एक सवाल बहुत टूट टूट कर आने लगा। वो सवाल ये था कि हम आपको आखिर ट्रस्ट क्यों करें? आपके अंदर ऐसा क्या है कि हमको आपके प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए? हम तो नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उस वक्त मार्केट के अंदर डाबर, एचयूएल, जॉनसन एंड जॉनसन, इन सारे बड़े बड़े ब्रांड्स का हाहाकार था और लोग इन ब्रांड्स के ऊपर बहुत अंधाधुंध ट्रस्ट करते थे। तो लोग आखिर मामा अर्थ को क्यों ट्रस्ट करते? इस इशू को सॉल्व करने के लिए मामा अर्थ ने मेडसेफ, जो कि यूएस की एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, उनके साथ कोलैबोरेट किया। मेडसेफ हेल्थ केयर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स की सेफ्टी टेस्टिंग करती है और आपको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि मामा अर्थ एशिया का पहला ऐसा ब्रांड है और सिर्फ इकलौता ऐसा ब्रांड है जिसके पास मेडसेफ की सर्टिफिकेशंस हैं। मेडसेफ ने मामा अर्थ का काम और ज्यादा इजी बना दिया, लेकिन इंडियन मार्केट के अंदर अभी भी एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी। मेडसेफ सर्टिफिकेशन तो करवा लिया, लेकिन ज्यादातर मॉम्स को तो अभी तक ये खबर ही नहीं थी कि जो प्रोडक्ट्स वो अपने बच्चों के ऊपर यूज कर रहे हैं वो उनके बच्चों के लिए सही नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मार्केट का हाल कुछ ऐसा था कि जब गजल लोगों को जाकर ये बताती थी कि मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सल्फेट फ्री हैं, तो लोग उनसे ये पूछते थे कि मैम, आपके इस प्रोडक्ट के साथ क्या फ्री दे रहे हो आप। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए गजल ने सबसे पहले वो कस्टमर्स जो ऑलरेडी मामा अर्थ को यूज कर रहे हैं उनको एजुकेट करना शुरू किया। और उस वक्त तक मामा अर्थ की सारी कंज्यूमर्स लेडीज थी, एंड यू नो हाउ लेडीज आर। किसी भी लेडी को अगर कोई ऐसी चीज पता लगती है जो कि उनके सर्कल में ज्यादातर लेडीज को नहीं मालूम, तो वो लेडी बहुत ही शौक से, बहुत ही ज्यादा प्राइड के साथ उस चीज को अपने सर्कल के अंदर शेयर करती है।
और क्योंकि मामा अर्थ जो चीज़ें दे रहा था मार्केट के अंदर, जो सारी चीज़ें वो बता रहे थे कि बच्चों के लिए क्या ठीक है और क्या नहीं है, वो ज़्यादातर लेडीज़ को पता ही नहीं थी। तो जब एक लेडी को पता लगता था तो वो अपनी सर्कल में जाकर इस बात का ढिंडोरा पीट देती थी। ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती चली गई और मामा अर्थ लेडीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। फिर मामा अर्थ ने थोड़ी फंडिंग रेज करी और डिजिटल मार्केटिंग और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू मार्केट को कैप्चर करना शुरू किया। लेकिन सवाल अब भी यही है कि बिना किसी बिजनेस एक्सपीरियंस के, बिना किसी बिजनेस बैकग्राउंड के, ये सारी चीज़ें गजल अलग ने आखिर करी कैसे? तो देखो, जिन भी लोगों ने मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स यूज करे हैं ना, उनको एक बात तो जरूर मालूम होगी कि मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो नॉर्मल प्रोडक्ट्स से ज्यादा महंगे हैं। मामा अर्थ के ज्यादातर प्रोडक्ट्स प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं। सवाल यह आता है कि इंडिया जैसी कंट्री जो कि इतनी ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है, वहां पर ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स का ब्रांड इतना ज्यादा सक्सेसफुल कैसे बना? सो इसका जवाब है कंज्यूमर इनसाइट प्लस पर्सनलिज्म। अब इसको बहुत ही ध्यान से समझना। आप कोई भी ब्यूटी केयर प्रोडक्ट का एड उठाकर देख लो, आपको हर एक एड के अंदर एक चीज कॉमन मिलेगी। वो कॉमन चीज है दैट इट्स ऑल अबाउट यू। कोई भी ब्यूटी केयर ऐड के अंदर कोई भी ब्रांड अपने प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा बात नहीं करेगा, वो लोग हमेशा बात करेंगे आपके बारे में। क्यों? क्योंकि ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स आर डैम पर्सनल। इसलिए सारे के सारे ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स के एड्स या तो आपकी सेल्फ एस्टीम या फिर आपकी इनसिक्योरिटीज को टारगेट करते हुए बनाए जाते हैं। सवाल ये है कि ये चीज बेबी केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर आखिर कैसे अप्लाई होती है? सो इसका जवाब छुपा हुआ है मॉम्स की साइकोलॉजी के अंदर। इंडिया की जो मॉम्स है उनकी साइकोलॉजी इस तरीके से सेट है कि वो सबसे पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगी, अपने बच्चों के बारे में सोचेंगी, उसके बाद वो अपने बारे में सोचती हैं। यही रीजन है कि इंडिया के अंदर बच्चों का हॉर्लिक्स हिट है और वुमेन्स हॉर्लिक्स फेल है। गजल ने 700 से ज्यादा लेडीज के कंज्यूमर इनसाइट्स इकट्ठे करे, उनसे फीडबैक्स लिए, इंप्रूवमेंट्स करे और प्रोडक्ट्स को आगे अच्छा बनाते चले गए। और धीरे धीरे वो मार्केट के अंदर ऐसे प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करते गए जिनके ऊपर माएं आंख बंद करके भरोसा कर सकती थी। मॉम्स के कंज्यूमर इनसाइट्स को यूज करते हुए मामा अर्थ ने जब अपने प्रोडक्ट्स बनाए तो मार्केट के अंदर एक मैसेज गया कि ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर हमारा भी एक पार्ट है, हमारा से है इस प्रोडक्ट के अंदर। और देखते देखते मामा अर्थ की सेल्स स्काईरॉकेट कर गई और लेडीज को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ा कि ये प्रोडक्ट्स आम प्रोडक्ट से ज्यादा महंगे हैं या नहीं। ज्यादातर लोगों को आज भी यही लगता है कि बिजनेस शुरू करने के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए, और मैंने भी जब तक लीन स्टार्टअप ये बुक नहीं पढ़ी थी ना, मेरे को भी ऐसा सेम लगता था। मुझे तो ये बुक बहुत कमाल की लगी क्योंकि कम पैसों में बिजनेस को स्क्रैच से कैसे बिल्ड करना है ना, ये तो आपको इस बुक को पढ़ते ही एक झटके में पता लग जाएगा। लेकिन बात तो वही है ना कि बुक है, बुक कौन पढ़ेगा, इतनी बोरिंग जो होती है। और इसलिए हमारे पार्टनर कुकू एफएम द लीन स्टार्टअप बुक की ऑडियो बुक समरी अपने प्लेटफॉर्म पे आपके लिए लेकर आए हैं। कुकू एफएम के ऊपर आपको हजारों ऑडियो बुक्स और पॉडकास्ट मिल जाएंगे, ट्राई तो करके देखो। और हाँ, अगर आप मेरा कूपन कोड आदि50 यूज करते हो ना तो आपको कुकू एफएम का सब्सक्रिप्शन 50% ऑफ पे मिल जाएगा। लेकिन हाँ, ये जो डील है ये फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है, तो हरी अप एंड ट्राई कुकू एफएम। लिंक मैंने आप सब लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, वो कौन से पावरफुल बिजनेस लेसन है जो हम इस केस स्टडी से सीख कर अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं? फर्स्ट लेसन, बी एवरीवेयर एंड मेक प्रॉफिट्स। प्रॉफिट करने के लिए जहां जा सकते हो ना वहां तक जाओ। मामा अर्थ एक प्रीमियम ब्रांड है, उनका प्रॉफिट मार्जिन 60-65% पे वेरी करता है, जिसके चलते आज वो एक प्रॉफिटेबल स्टार्टअप है। मामा अर्थ एक D2C ब्रांड है, स्टार्टिंग उन लोगों ने ऑनलाइन सेल करने से ही करी थी, लेकिन आज की डेट में अगर आप देखोगे तो मामा अर्थ ने 3000 से भी ज्यादा रिटेलर्स के साथ पार्टनरशिप कर रखी है ताकि वो लोग ऑनलाइन भी रहें और ऑफलाइन अपनी प्रेजेंस भी बनाए रखें, जिसके चलते उनसे कोई भी कस्टमर कभी भी मिस ना हो। जब एक चीज बहुत जबरदस्त चल जाती है ना तो हम लोग उसी चीज के अंदर लिपटे रह जाते हैं, और ये हम की सबसे बड़ी गलती होती है। 2007 में एप्पल कंप्यूटर्स इनकॉर्पोरेशन का नाम चेंज करके स्टीव जॉब्स ने एप्पल कर दिया, क्योंकि अब एप्पल बहुत सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के अंदर भी एंट्री मारने वाला था। उसके बाद आईफोन, आईपैड, आईवॉच, एप्पल ने ये सारी की सारी चीजें लॉन्च करी, और आज की डेट में एप्पल का 50% से भी ज्यादा रेवेन्यू आईफोन से आता है और कंप्यूटर से सिर्फ 11% रेवेन्यू आता है। मामा अर्थ ने 6 बेबी केयर प्रोडक्ट्स से शुरुआत करी थी और आज मामा अर्थ के 200 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स बिकते हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि उनके सिर्फ 20% सेल्स आज बेबी केयर प्रोडक्ट से आती है, उनकी बाकी की 80% सेल्स उनके पर्सनल के प्रोडक्ट्स जो कि बेबी केयर प्रोडक्ट्स नहीं है उनसे आती है। मामा अर्थ ने सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि मॉम, डैड और टीनेजर्स हर किसी के लिए ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स लॉन्च करे, जिसके चलते आज मामा अर्थ 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कंपनी बन गई। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि ये वीडियो और ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। D2C ब्रांड्स मेरे को बहुत ज्यादा एक्साइट करते हैं। क्या किसी ने सोचा था कि स्कूटी के ऊपर मीट बेचने वाले दो लोग सिर्फ 5 साल के अंदर 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कंपनी खड़ी कर देंगे? सवाल यह है कि इन दोनों ने ये सारी चीजें आखिर करी कैसे? राइट वाली वीडियो देखोगे ना तो जान जाओगे।